तो कहानी की शुरुआत होती है और हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं, जिनका नाम क्लिफ और डेरिफ होता है। और यहाँ पर ये दोनों हमें दिखाए जाते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और यहाँ पर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना उन्हें टूर पर जाना चाहिए, जिसमें ये लोग ऐसा प्लान बनाते हैं कि शायद वो लोग पूरी दुनिया ही घूम डालेंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लिफ इस टूर को डॉक्यूमेंट्री के तौर पर शूट भी करेगा, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये दोनों फाइनली अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। और यहाँ पर इनका पहला दिन पेरिस से स्टार्ट होता है। यहाँ आने के बाद ये लोग अपने कुछ बहुत ही पुराने दोस्तों से मिलते हैं जो कि एक क्लब में बैंड का काम करते थे। अब यहाँ पर ये सारे दोस्त काफी मजे करते हैं और यहाँ पर इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि डेरिक एक लड़की के साथ इंटीमेट भी हो जाता है। लेकिन जब उसके दोस्त उसके रूम में आते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि डेरिक बहुत ही बुरी हालत में है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा हो। यहाँ पर जब क्लिप उससे पूछता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर पूरे एक हफ्ते बिता चुके हैं, जिसके बाद ये लोग अब इटली निकलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक की हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत कमजोर होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे हर पल नींद सताई रहती है, जिसके बाद क्लिफ उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पर बैक करने लगता है, जिसके बाद क्लिफ डेरिक को डॉक्टर के पास चलने के लिए कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर डेरिक डॉक्टर के यहाँ जाने से उसे मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह वो दोनों एक पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक को धूप में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी स्किन जलने लगती है। अब यहाँ पर क्लिफ कैसे भी करके उसे सनलाइट से बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर जब रात हो जाती है तो क्लिफ उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए प्रेशर करने लगता है और अपने साथ साथ इस ट्रिप को भी खत्म करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से डेरिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों में काफी झड़प हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक को बातों ही बातों में बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोरदार पंच अपनी दीवार पर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ की वॉल की ईंट निकल जाती है और ऐसा देखकर क्लिफ को बहुत ही अजीब लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक खुद को टेस्ट करने के लिए बाहर जाता है और वहाँ पर जाकर एक स्टोन पर पंच मारता है और यहाँ पर उसके ऐसे पंच मारने से वो स्टोन भी टूट जाता है। अब यहाँ पर डेरिक को ऐसे लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई सुपर पावर आ चुकी हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो घर जाने लगता है तो यहाँ पर डेरिक की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और इसी दौरान हम देखते हैं कि उसकी आंखों से भी कोई अजीब चीज बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लिफ अब बिल्कुल हार मान चुका होता है और वो अब अपने डॉक्टर को बुलाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर डेरिक ऐसा करने से उसे फिर से मना करने लगता है, जिसके बाद वो खुद को एकदम फिट बताता है और वो कूदते हुए दूसरी बिल्डिंग पर चढ़ते हुए चला जाता है। अब इसके बाद हम फिर देखते हैं कि डेरिक की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो एक जगह पर लेट जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो हॉस्पिटल जा रहा होता है और इसी दौरान दो आदमी उन्हें मिलते हैं जो कि उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर डेरिक उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डेरिक और भी परेशान और उसकी हालत खराब होने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर डेरिक को दिखाई देता है कि उसने जिन दोनों बंदों को मारा था उनका खून उसके हाथों पर लगा है, जिसके बाद डेरिक बिना कुछ सोचे समझे उस खून को पीने लगता है। तभी यहाँ पर ये बात हमें पता चल जाती है, जहाँ पर वो उस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था वहीं से उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो गया था और यहाँ पर वो देखते देखते एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्लिफ को भी ये समझ में आ जाता है कि शायद उसका दोस्त एक वैम्पायर बन चुका है। अब यहाँ पर क्लिफ ने जो सारी चीजें आज तक रिकॉर्ड की थी वो सब कुछ वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और यहाँ पर वो अपने दोस्त को एक जानवर का खून भी लेकर देता है। लेकिन वो खून फ्रेश ना होने की वजह से डेरिक को फिर से पलटी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर वैम्पायर को ताजा खून चाहिए होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेरिक एक फार्म हाउस में जाकर एक जानवर को भी मार देता है और उसके खून को पीने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसकी भूख में कोई भी तब्दील नहीं होता, ऐसा लगता है कि उसकी भूख और भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि डेरिक को बस इंसानी खून की जरूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि क्लिफ सारी चीजों को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है। अब यहाँ पर डेरिक की भूख काफी बढ़ जाने की वजह से वो एक ब्लड बैंक में पहुंचकर वहाँ के खून को लूटने की कोशिश करता है, ताकि वो वहाँ से इंसानी खून को पा सके। लेकिन वहाँ की पुलिस डेरिक की आईडी छीन लेती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से डर के मारे डेरिक और क्लिफ वहाँ से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक इंसानी खून के लिए बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है, यहाँ तक कि वो एक चलती हुई एम्बुलेंस को देखकर उसके अंदर भी खून ढूंढने लगता है। लेकिन वहाँ पर उसे उस कार में कोई भी खून नहीं मिलता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक के खिलाफ कंप्लेंट भी हो चुकी थी, जो कि उसने ब्लड बैंक लूटने की कोशिश की थी। अब हम देखते हैं कि क्लिफ और डेरिक वापस अपने रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पूरे दो दिन गुजर जाने के बाद डेरिक पूरी तरीके से एक वैम्पायर में बदल चुका है और यहाँ पर उसे खून की कमी की वजह से वो बहुत ही कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से वो क्लिफ पर भी हमला करने लगता है। अब हम देखते हैं कि एक रात अचानक से वो कहीं पर गायब हो जाता है, तो यहाँ पर क्लिफ अपना थोड़ा सा ब्लड एक बोतल में निकाल कर अपने दोस्त को ढूंढने लगता है, ताकि वो उसे अपना खून पिला सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त पर भी हमला कर देता है और यहाँ पर उसको जान से मार डालता है और उसकी बॉडी से खून का एक एक कतरा पी लेता है। अब हम देखते हैं कि वो ब्लड पी जाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल हो जाने के बाद उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त का खून पी गया और यहाँ पर वो इस शर्म को बर्दाश्त नहीं
नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपने सर में एक गन से गोली चला देता है। लेकिन इसके ऐसा करने के बावजूद कोई भी फायदा नहीं निकला। यहाँ पर डेरिक देखता है कि गोली उसके सर के आर पार जा चुकी है, फिर भी वो जिंदा है और इसके साथ साथ उसके सर का घाव भी पूरी तरीके से थोड़ी ही देर में ठीक भी हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक क्लिफ की बॉडी को अपने रहने की जगह पर दफना देता है और इसके साथ साथ ये भी सोचता है कि वो जो कुछ भी करेगा वो डॉक्यूमेंट्री के तौर पर उस कैमरे में रिकॉर्ड करता रहेगा, ताकि ऑड्री नाम की लड़की को वो पेरिस में ढूंढ सके जो कि उसको पहली बार मिली थी। और यहाँ पर ये इस लड़की को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसी लड़की के काट लेने की वजह से वो एक वैम्पायर बन चुका है और बस उसी लड़की के पास इसका सलूशन भी होगा ताकि वो वापस से नॉर्मल बन सके। अब हम देखते हैं कि डेरिक अगली सुबह अपने हाथ को धूप में लेकर जाता है, लेकिन उसके हाथ धूप के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो दिन के बजाय अब रात में पेरिस के लिए निकलेगा, क्योंकि दिन में धूप के संपर्क में आते ही उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। लेकिन यहाँ पर इससे निकलने से पहले यहाँ पर इंटरपोल की पुलिस आ जाती है जो कि डेरिक को गिरफ्तार करके वहां से ले जाने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डेरिक वहां के दो पुलिस ऑफिसर को मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो बहुत ऊंचाई से नीचे कूद जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई से कूद जाने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो धूप में भी भाग रहा होता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में बहुत तरीके के घाव होने लगते हैं, जिसके बाद वो पुलिस वालों से बचते बचाते एक पुल के नीचे जाकर छिप जाता है और पूरा का पूरा दिन वहीं पर वो अपना बिता देता है, जिसके बाद उसे काफी गोलियां भी लगी होती हैं। अब देखते हैं कि शाम हो जाने के बाद वो एक ट्रेन पकड़कर पेरिस पहुंच जाता है और वहां पर रहने के लिए वो अपनी एक जगह भी ढूंढ लेता है और इसके साथ साथ वो अपने कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहा होता है। और यहाँ पर वो इसलिए अपलोड कर रहा होता है ताकि डेरिक नाम की लड़की जिसने उसे वैम्पायर बनाया था वो उस वीडियो को देखकर उसके पास वापस आ सके और उसकी मदद करे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस वाले इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डेरिक रात के वक्त उसी होटल में जाता है जहाँ पर उस लड़की ने उसे काटा था और वहाँ पर पहुंचने के बाद बस उसे उस लड़की के कुछ सामान मिलते हैं, लेकिन इसी दौरान पुलिस उसका पीछा करते हुए वहां तक भी आ जाती है। तब हम देखते हैं कि डेरिक एक बिल्डिंग से कूद कर दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर भागते दौरान उसके हाथों से 2-3 पुलिस वाले मारे जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं डेरिक अब बहुत ही बड़े लेवल का क्रिमिनल बन चुका था और उसकी न्यूज सारी जगह पर वायरल हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक एक जगह पर रुकता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास वो लड़की का फोन होता है, जिसमें उसमें मौजूद सारे कॉन्टेक्ट को वो मैसेज करता है ताकि कोई तो उस मैसेज को पढ़कर रिप्लाई कर सके। अब हम देखते हैं कि फाइनली एक आदमी उससे मिलने के लिए आता भी है, जिसके बाद डेरिक उसे बांध कर रख देता है और लाइव स्ट्रीम में उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन वहां पर फिर से बहुत सारी पुलिस आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डेरिक सारे पुलिस वालों को मार के उसका खून पी जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा था। और अब हम देखते हैं कि आखिरकार वो लड़की उससे मिलने के लिए आ ही जाती है। यहाँ पर वो डेरिक को बताती है कि अब तो तुम पूरी तरीके से वैम्पायर बन चुके हो, जिसकी वजह से अब तुम्हें नॉर्मल नहीं किया जा सकता और तुम्हें हर 5 दिन में एक इंसान को मारकर उसके खून को पीना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम धीरे धीरे जानवर बनते चले जाओगे और तुम हर रोज किसी न किसी को मारते फिरोगे, और इससे अच्छा तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम हर 5 दिन में एक बंदे को मारकर उसका खून पी जाओ, जिसकी वजह से तुम एकदम नॉर्मल बने रहोगे और तुम्हें ऐसे लोगों को मारना चाहिए जो कि एकदम क्रिमिनल होते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की ऑड्री भी ऐसे ही करते आ रही थी। यहाँ पर ऑड्री बोलती है कि इसके चलते मासूम लोगों को भी सेफ रखा जा सकता है और यहाँ पर हम लोग दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को खत्म करते जाएंगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब से डेरिक एकदम गायब हो जाता है और ऑड्री की बात मारकर इस दुनिया में जितने भी क्रिमिनल है सबको ढूंढ ढूंढ कर वो मारने लगता है। अब इसके बाद आखिरी सीन में हम डेरिक को एक आदमी के पास देखते हैं जिसको डेरिक ने बांध कर रखा होता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी ने एक बच्चे के साथ क्राइम किया था, जिसके चलते वो उसे भी मारकर उसका भी खून पी लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेरिक जो भी बुरे लोग हैं उनको मारकर उनका खून पीकर जिंदा रहता है, और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।